देखिए इस टाइप का बेसिंग जो होता है उसको फिटिंग करने के लिए ढेर सारा टाइम लगता है। बेसिंग का फिटिंग लेके आए हैं, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सीपी वेस्ट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। वेस्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा टेप मारेंगे, टेप मारने के बाद बताते हैं कि उसको टाइट किया जाता है। नीचे टेप इसलिए मारा जाता है कि लीक ना करे, ठीक है। और बीच में एक छेदा होता है होल, होल का बारे जानकारी नहीं है तो भी बता देंगे। वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करते हुए देखिए, ठीक है। पूरा फिटिंग आपको समझ में आ जाएगा। इसको वैनिटी बेसिंग भी बोलते हैं और ये काउंटर बेसिंग भी बोलते हैं और कैबिनेट बेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इस बेसिंग को फिट करने के लिए कुछ खास खास बातें हैं जिसको ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए एंजॉय के साथ, पूरा बात समझाएंगे। सबसे पहले इसका सीपी वेस्ट टाइट करते हैं। टाइट करने के लिए सिंपली एक कवर प्लास लेंगे, मंकी प्लास भी जो बोलते हैं। हाँ सही टाइट होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आता इसमें, ठीक है। टाइट भी पूरा एकदम लिमिट से करें, लिमिट से ज़्यादा भी टाइट ना करें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मशीन नीचे निकालेंगे, उसका भी फिट करते हैं। निकालो मशीन से, मैं आपको एक एक चीज़ को पूरा ध्यान से रखना होगा, तभी आपको फिटिंग जो होता है पूरा फिनिशिंग तरीका से हो सकता है। और नहीं होगा तो इधर उधर घूमते रहेगा नल भी और लीकेज भी करने का चांसेस रहता है इसमें। सबसे पहले नीचे दो नट दिया हुआ है, ठीक है, दो नट को खोलेंगे। ना भाई हमको धाम करते हैं, फिर दोनों कनेक्शन पर को टाइट करना अच्छे से। सबसे पहले अगर पाइप को टाइट करना है ना हम करते हैं। पाइप को पहले टाइट किया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। ये काम जो है आपको इत्मीनान से करना होगा, एकदम इत्मीनान से, तो ये अच्छा काम होता है। बस का रिंच लगता है, बस का रिंच लगा के उसको टाइट करेंगे। दोनों कनेक्शन पर टाइट नहीं रहेगा तो फिर वो दिक्कत करेगा। उसको टाइट करने का एक लिमिट होता है, ज़्यादा भी टाइट ना करें और कम भी टाइट ना करें। कम रहेगा तो लीकेज करेगा, ज़्यादा जोर से टाइट करिएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला रहता है कभी पाइप होता है जो टाइट होता है 10 नंबर वाला। दोनों को धीरे 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 बराबर के बराबर करके टाइट कर दिया जाता है।
से जो होता है दोनों बोल्ट जो होता है उसको भी टाइट कर ले, चेक कर ले कि लूज है तो टाइट किया जाता है नहीं तो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसको भी हाथ से चेक कर लीजिए। अब दो वाशर ऊपर रहता है, दो वाशर नीचे रहता है, ठीक है। एक फ्लंच टाइप से रहता है, एक रबड़ का रहता है जिसको ऊपर से फिट किया जाता है। अब क्या करेंगे, इसको घुसाएंगे, उसमें घुसाने के बाद फिट करेंगे। एक पैक को आगे एक पैक पीछे करके पुश किया जाता है, नहीं तो घुसबो नहीं करेगा दोनों एक साथ में। उसके बाद सटाने के बाद सीधा करके रखेंगे और सीधा करके पकड़ने के बाद दस मिनट को सटाने के बाद उसको रिंच से फिर से टाइट करेंगे। चलिए टाइट हो चुका है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको वैनिटी के ऊपर जाएंगे और वैनिटी में इसको रख देंगे। इसको चिपकाया भी नहीं जाता और ड्रिल भी नहीं किया जाता है, सिंपली इसमें रख दिया जाता है, ठीक है। ताकि कभी भी आपको सफाई की जरूरत पड़े तो बाहर करके आप इसको सफाई कर सकते हैं। और नीचे उसका दोनों कनेक्शन पाइप होता है उसको टाइट कर देंगे। कनेक्शन पाइप बोतल ट्रैप या बेस्ट पाइप जो होता है उसको आप आराम से कस लीजिएगा बैठ के। सबसे पहले इसको कस देते हैं फिर आपको दिखलाते हैं, क्योंकि दिखने और कसने में जरा दिखाई सुविधा नहीं होगा, जगह छोटा सा है। देखिए दोनों कसा हुआ है और उसमें बोतल ट्रैप भी लगा हुआ है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं एकदम एक नंबर है, ठीक है। सामने ड्रावर है, उसके आगे भी ड्रावर है। ठीक है, चलिए इसका पानी चालू करते हैं, पानी चालू करके दिखाते हैं। हमारा पानी आ चुका है, ठीक है। प्रेशर भी आप देख सकते हैं, बिना प्रेशर मशीन का प्रेशर ही है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।